इस क्वेश्चन में क्या, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ठीक है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग के स्टॉप फ्रॉम 45 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ फ्लैग एक्सटेंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट। तो हमें डिस्टेंस वगैरह निकालना है, ठीक है। हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट मीन्स कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस पर कोई बंदा झंडा फहरा रहा है, मतलब अपना फ्लैग स्टेप लगा रखा है, ठीक है। तो दो टाइप के ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, दो टाइप के एंगल ऑफ एलिवेशन आएंगे। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको मान लो फ्लैग स्टेप की हाइट h है और इस और ये 10 मीटर दी हुई और ये w हम लोग मान लेते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, h प्लस 10 और ये क्या हो जाएगा w और ये 45 है, 10 45 लगा देंगे हम लोग, ठीक है। 10 45 जैसे ही लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, h प्लस 10 अपॉन w इज इक्वल्स टू 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो h प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा w। सिमिलरली अब हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है w है और ये सॉरी 10 है और ये w और ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से 10 30 लगा देंगे, 10 अपॉन w इज इक्वल टू 10 30, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ से w की वैल्यू निकल आएगी 10 रूट 3, ठीक है। अब w की वैल्यू निकल आएगी 10 रूट 3 और इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो h प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10 रूट 3, तो h की वैल्यू आ जाएगी 10 ऑफ रूट 3 माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया लेंथ ऑफ क्या फ्लैग स्टेप का, ठीक है। और w हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 10 रूट 3 पहले ही निकल गया है।